दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों RPSC में जो पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्नों को लेकर के आया हूँ मैं, और सभी RPSC ने जो आंसर माने थे उसी आंसर की के अनुसार RAS परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा, सेकंड ग्रेड परीक्षा, SI परीक्षा, जो भी विगत परीक्षा हो चुकी है उन सभी में जो प्रश्न आए हैं जो सेकंड ग्रेड सिलेबस में है वो सभी प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, त्याग भूमि के संपादक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर है हरिभाव उपाध्याय। त्याग भूमि के जो संपादक थे वो कौन थे? हरिभाव उपाध्याय, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। क्रांतिकारी 1857 की क्रांतिकारी महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा किसे मिली थी? केसरी सिंह बारहट को मिली थी। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? जैन मंदिर के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक जैन मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर, सातवीस देवरी और समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो यहाँ सातवीस देवरी या सतवीस देवरी भी कहते हैं इसे, तो ये जैन मंदिर है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। ऑप्शन नंबर एक संत चरणदास की, ऑप्शन नंबर दो संत निम्बाकाचार्य की, ऑप्शन नंबर तीन संत रैदास की, ऑप्शन नंबर चार संत रामचरण की। तो नारी संत दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी, ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, ऑप्शन नंबर सी अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है ए एवं सी सही है, ऑप्शन नंबर दो में ए बी एवं सी सही है, ऑप्शन नंबर तीन ए एवं बी सही है, ऑप्शन नंबर चार ए सही है। तो दोस्तों यहाँ ओनली ऑप्शन नंबर जो चार है ओनली ऐसा ही है, मतलब कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ये आंसर सही है। तांबड़ा कहाँ पाया जाता है? तो जनकपुरा और सरवाड़ में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, कि जहाँ केवल राजस्थान में ही उत्पादन होता है अन्य राज्यों में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सीसा एवं जस्ता, ऑप्शन नंबर बी ताम्र अयस्क, ऑप्शन नंबर सी वोलेस्टोनाइट, ऑप्शन नंबर दे सेलेनाइट। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, एक दे रखा है उसमें ए एवं से सही है, ऑप्शन नंबर दो में ए बे दे सही है, ऑप्शन नंबर तीन में ए बे से सही है, ऑप्शन नंबर चार में ए से और दे सही है। तो दोस्तों ए ऑप्शन नंबर जो चार है इसका सही आंसर है ए से और दे, ए भी सही है, से भी सही है और दे भी सही है, बे सही आंसर नहीं है। तो देखिए दोस्तों सीसा एवं जस्ता जो अयस्क है वह कहाँ प्राप्त होता है राजस्थान में? जावर और राजपुरा दरीबा राजसमंद में, और रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में, और जावर जो खान है वो उदयपुर में है, यहाँ से सीसा एवं जस्ता प्राप्त होता है। ताम्र जो अयस्क है वो झुंझुनू में कोल्हन यहाँ पर प्राप्त होता है, पूर्व दरीबा और बनेड़ा यहाँ भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, बन्नों की ढाणी ये सीकर में है यहाँ से भी ताम्र अयस्क प्राप्त होता है, खो दरीबा जो अलवर में है यहाँ से भी ताम्र अयस्क प्राप्त होता है, वोलेस्टोनाइट ये सिरोही उदयपुर
पाली और अजमेर यहाँ से प्राप्त होता है। ये इनकी प्रमुख खाने हैं। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, क्या पूछा है, सही है या कथन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कूट ऑप्शन दे रखे हैं, ए और डी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है और ए बी सी डी चारों सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर एक दे रखा है, ए और डी, ये दोनों सही है, अर्थात यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया। कब? 15वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अंत स्थापित किया गया था। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का कालानुक्रम चुनिए। ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो यहाँ जो ऑप्शन को है क्रमानुसार जमाना है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये, और उसके बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, और उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसके बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ऑप्शन नंबर एक, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। ऑप्शन नंबर दो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर तीन, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र में। ऑप्शन नंबर चार, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो ऑप्शन नंबर जो चार है वो इसका सही आंसर है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक 19, ऑप्शन नंबर दो 20, ऑप्शन नंबर तीन 21, ऑप्शन नंबर चार 22। तो ऑप्शन नंबर दो 20 यह सही आंसर है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि, इस पर बल दिया गया था। अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि, इस पर बल दिया गया था। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर एक सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर दो छबड़ा, ऑप्शन नंबर तीन काली सिंध, ऑप्शन नंबर चार कोटा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो सर्वाधिक विद्युत क्षमता, प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता जो है वो सूरतगढ़ की है। यहाँ पर 4140 मेगावाट, मतलब 250 × 6 = 1500, इस प्रकार की ये इकाइयाँ लगी हुई है। और छबड़ा में भी इस प्रकार से इकाइयाँ लगी हुई है, और काली सिंध में ये इकाइयाँ हैं, इनकी कुल क्षमता है, और कोटा की भी ये इकाइयाँ लगी हुई है, इनकी कुल क्षमता है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक जो है वो सूरतगढ़ में है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? ऑप्शन नंबर एक पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन शाही रेल, ऑप्शन नंबर दो किले महल एवं हवेलियां, ऑप्शन नंबर तीन मेले एवं त्यौहार, ऑप्शन नंबर चार चिकित्सीय पर्यटन। तो यहां पर जो बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर चार चिकित्सीय
पर्यटन। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर एक, निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। ऑप्शन नंबर दो, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर तीन, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर चार, असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम एम्पावर किसके द्वारा समर्थित है? ऑप्शन नंबर एक, एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा। ऑप्शन नंबर दो, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा। ऑप्शन नंबर तीन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD द्वारा, रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर चार, कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी CIDA द्वारा। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, ये इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित डिजाइंड एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर दो, अग्नि। ऑप्शन नंबर तीन, अस्त्र। ऑप्शन नंबर चार, आकाश। तो जो सही आंसर है वो है अस्त्र। PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक, 80। ऑप्शन नंबर दो, 104। ऑप्शन नंबर तीन, 172। ऑप्शन नंबर चार, 98। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दो, 104 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है, इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर एक, उपचार। ऑप्शन नंबर दो, क्योर। ऑप्शन नंबर तीन, निदान। ऑप्शन नंबर चार, सेहत। तो इसका सही आंसर है निदान, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर एक, इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बे, स्मार्ट, यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर से, यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो तीनों दिए हुए हैं उपरोक्त में से सही कथन है ऑप्शन नंबर जो ए और जो से है वो सही है, कूट नंबर ए और से सही है, वे इसमें गलत है। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम हत्याकांड में शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर एक मास्टर अमीर चंद्र, ऑप्शन नंबर दो भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर तीन भाई बाल मुकुंद, ऑप्शन नंबर चार अवध बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर दो ये आंसर सही है, ये नहीं था, बाकी मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद चंद और अवध बिहारी और इसके साथ में बसंत कुमार था, चारों को फांसी की सजा दी गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे थे? ऑप्शन नंबर एक माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर सी चिरंजीलाल मिश्र, ऑप्शन नंबर डी मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर है माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर एक। यहाँ कूटनीति दे रखी है तो एक भी सही है और बी भी सही है और डी भी सही है, मतलब कूट नंबर ABC इसका सही आंसर है।
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? खनिज और ये खान है, खनिज कहाँ से, कौन सी खान से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर एक दे रखा है जिप्सम, पालना, गुलाबी संगमरमर, बाबरमल, तांबड़ा, राजमहल, यूरेनियम, कुराड़िया। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो सही सुमेलित नहीं है, पालना, जबकि ये कहाँ पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है जामसर, लूणकरणसर बीकानेर, गोठ मांगलोद नागौर और मोहनगढ़ नाचना जैसलमेर में ये जिप्सम पाया जाता है। और गुलाबी जो संगमरमर है वो देवी माता उदयपुर में पाया जाता है। और तांबड़ा, तांबड़ा जो है गार्नेट सरवाड़ तथा खरखारी अजमेर में, और जनकपुरा व कल्याणपुरा राजमहल टोंक इनमें भी पाया जाता है। देवी माता में गुलाबी संगमरमर और बाबरमल में भी गुलाबी संगमरमर पाया जाता है। यूरेनियम रोहिल सीकर में मिलता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्राप्त होता है और कुराड़िया में भी ये पाया जाता है। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? ऑप्शन नंबर एक 1901, ऑप्शन नंबर दो 1921, ऑप्शन नंबर तीन 1991, ऑप्शन नंबर चार 2011। तो जो न्यूनतम लिंगानुपात रहा है राजस्थान में वो है ऑप्शन नंबर दो, 1921 में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर एक 55% से 58% के बीच, ऑप्शन नंबर बे दो दे रखा है 58% से 61% के बीच, ऑप्शन नंबर तीन 47% से 50% के बीच, ऑप्शन नंबर चार 50% से 53% के बीच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार 50% से 53% के बीच। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? खनिज और खनन क्षेत्र पूछा गया है, जिप्सम, जामसर, मैग्नीज, लीलवानी, तांबड़ा, राजमहल, फेल्सपार, डेगाना। तो इनका जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर चार, जिप्सम तो जामसर में पाया जाता है सही है, मैग्नीज लीलवानी में पाया जाता है ये भी सही है, तांबड़ा राजमहल में पाया जाता है ये भी सही है, फेल्सपार डेगाना में नहीं पाया जाता है। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत कितना है ये पूछा गया है। तो ग्रामीण और नगरीय ऑप्शन नंबर एक 16.9 और नगरीय 3.2, ऑप्शन नंबर दो ग्रामीण 15.5 नगरीय 2.9, ऑप्शन नंबर तीन 13.5 ग्रामीण और नगरीय 4.6, ऑप्शन नंबर चार 17.6 ग्रामीण और 5.2 नगरीय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक है, 16.9% ग्रामीण जनसंख्या है और 3.2 नगरीय जनसंख्या है। झामरकोटला उदयपुर खाने जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर एक रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है, अब्रक ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर चार बेराइट्स। तो इसका सही आंसर है रॉक फॉस्फेट, झामरकोटला उदयपुर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, खनिज, बॉक्साइट, काला हांडी व कोरापुट, ऑप्शन नंबर दो मैग्नीज, बालाघाट व छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर तीन टंगस्टन, डेगाना व बांकुरा, ऑप्शन नंबर चार तांबा, हुंटी और वे रामगिरी। तो इसका जो सही आंसर है ये बॉक्साइट काला हांडी व कोरापुट में सही है, और मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है ये भी सही है, और टंगस्टन डेगाना व बांकपुरा में ये भी सही है, तांबा हुट्टी और रामगिरी में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो चार है इस क्वेश्चन का सही आंसर है।